प्रॉब्लम हो गया, लोग डकारे बहुत मारते हैं खाना खाने के बाद, या ऐसे ही समय में गैस्ट्रिक की समस्या बहुत ज़्यादा हो, और इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज मेडिकल साइंस में तो है ही नहीं। मतलब आप खाएंगे तो भी वो थोड़े समय के बाद आपको दवाई का, और जितने दवाई लेते जाएंगे उतने आप दवाई के आदि होते जाएंगे। इसका बहुत साधारण सा एक उपाय है, ठंडे में वनस्पतियों में गार्डन में जहाँ पे पेड़ पौधे हों अधिक हो जाते हैं, हवा अच्छी चल रही है, वहाँ पे साफ सुथरे जगह में बैठ सकते हैं, घर पे भी बैठ सकते हैं सुबह के समय या शाम के समय जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय सिर्फ आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है और चंद्रभेदी प्राणायाम करना, और कुछ भी नहीं करना है। और यह भी कर सकते हैं, भावना कर सकते हैं कि सूर्य की लाली हमारे पेट के अंदर चली रही है, तो ऐसी भावना करने से और वो जो किरण होती है वो सच में अप्रत्याशित लाभ देती है। तो आपने ये जाना कि गैस्ट्रिक से जुड़ी हुई समस्याओं को हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो नाड़ी शोधन और चंद्रभेदी प्राणायाम, लेकिन शरीर को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं, पानी पी के ना करें, तुरंत पानी पी के ना करें, पानी पीने के कम से कम आधा घंटा बाद, और खाना खाने के अगर आपने 2 बजे खाना खाया है या तो ही शाम के 6:30 बजे के करीब सूर्यास्त के समय करें, और सुबह खाली पेट कर सकते हैं फ्रेश होने के बाद, तो आप पाएंगे कि गैस की समस्या से आप निजात पाएंगे। नाड़ी शोधन और चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करना है, यह चैनल की लिंक पे है, आप इस लिंक को फॉलो कर लें और करें तो आप अपने जीवन में पाएंगे खुशियां ही खुशियां, और आप अपने परेशानियों से निजात पाएंगे। धन्यवाद।